देखो यार, ठंड तो है यहाँ पे, हिमाचल में तो लग रही है। और यहाँ पे क्या है ना, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। अब तो फिर भी हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, लाइक 8 बजने वाले, हम लोग 7:30 उठे हैं। हाँ, ये मेरे नाना जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो गुड मॉर्निंग। एंड आज का प्लान क्या है? सो मोस्टली आई गेस वी आर गोना गो टू सम मंदिर एंड देन वी विल बी लीविंग। भैया ना आ रहा? भैया अभी नहा के आगे भी गा रहा हूँ नहाने के लिए। देखो चूल्हा कितना अच्छा होता है, हिमाचल में चूल्हा जरूरी चाहिए, है हाँ, ना? मतलब गैस पे तो सीख नहीं सकते, इससे तो मस्त मजा आ गया सामने बैठ नहीं, के। खाना भी अच्छा मिलेगा चूल्हे का और अपने को भी शरीर को मिलेगा, हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी इस मौसम में नहाने में भी बहुत ऐसा दर्द पड़ती है कि ठंड लग रही है मुझे। जनवरी फरवरी में आ तो फिर तुम्हारा क्या हाल तो मैं होगा? जनवरी में तो मैं कहाँ आया था, तुम तो आएगा ही नहीं इधर। तो धर्मशाला नहा के आया था। आए तो थे। हमारे को नहीं अम्मा, आप दी है ना, हमारे को नहीं लगती इतनी। नहीं, नहा तो लूंगा, अभी गर्म पानी के तो नहा लूंगा। कौन? नहीं इतनी ठंड तो है नहीं। वो जो आदि नहीं आता, अभी इधर आया था कल, लड़का नीचे गया, हाँ, आदि वो आदि ठंडे पानी से नापता। वो ठंडे पानी से नहाते हैं। हाँ, अभी हमारा बोर खोलेगा ना, गर्म पानी निकलेगा इससे। सो बैक इन 2019 हम लोगों ने, मतलब मेरे नाना नानी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, तो मेरे भाई मैंने लास्ट मिनट ऐसा ये गिफ्ट प्लान किया था एंड सबसे फोटोज वोटोज मंगाए थे, बिकॉज इन मुंबई, बेसिकली नॉट इवन इन मुंबई, इन नई मुंबई और पनवेल साइड ऑफ मुंबई, मुंबई वहाँ पे क्या होता है, लोग बैनर्स वैनर्स प्रिंट कर देते हैं यार। एंड हमें पता है कि हिमाचल में दैट्स नॉट द कल्चर, यहाँ पे वो लोग ये सब नहीं करते। तो हम अभी, मैंने कल तुम्हें दिखाया घर बाहर से, छोड़ो जो तुम्हें एक दो फ्रेम दिखा रहेगा, इतना बड़ा घर है, तो हमने उसके बाहर बहुत बड़ा बैनर लगा दिया था अबाउट दैट सेलिब्रेशन, इफ यू कैन सी। और नाना नानी को इतना अच्छा लगा, उन्होंने घर के अंदर लगा दिया, मतलब दैट्स सो स्वीट ऑफ देम। इसके अंदर और पूरा 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 फैमिली है, ऐसे हर कंपटीशन में नाना को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है, और इनकी साउथ अफ्रीका वाली गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, क्लाइंट है वो। गर्लफ्रेंड भी थी है। अरे नाइस, ना जी द चैम्प। हाँ जी, चलो तो कुर्सी पर रख देते ना सारी ये टोपियां, टोपियां रख देते एक मैं जगह। हाथ में अच्छी लगेगी। नहीं, हाथ में ना, हाथ में ये थोड़ी लोग पकड़ कहाँ के। हैं? हाँ जी, मैं ग्राम चेयर ना, ये रख देते सारी कुर्सियां, कुर्सी पे कुर्सी पे टोपियां इतनी ज्यादा थोड़ी हाथ में रही। कौन सी वाली पहन रहे हो पहले? मैं बोलता हूँ ये वाली पहनो, ये वाली, इसका कलर ना ज्यादा मैच कर रहा है नानी जी की चुन्नी के साथ। नहीं भी कर रहा है, नहीं तो इसके साथ भी ले लेंगे। हाँ ठीक है, व्हाई ना, अपना तो रात दे रहा होगी ना, नहीं गया फिर मेरा तो मैं एक ले लो। सारी एक्स्ट्रा हैट्स कहाँ बैठे? बैठे बैठे नहीं, खड़े 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 खड़े, फिर अभी हम फिर ऊपर भी चढ़ेंगे, उधर से घर के साथ लेंगे। पूरा 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 थोड़ी मेरी वो वीडियो भी बना देना, घूमना है बन जाएगा क्या? इधर उधर मैं घूमूंगी, मेरा वीडियो भी बना देना। एक ना लॉन्ग लेंस वाला लेना, तो वहां छत से ना जब नाना नानी एकदम सेंटर में यहाँ खड़े होंगे घर के एकदम बीच में, मैं बताऊंगा कैसे लेना, पर लेंस बड़ा वाला लाना तब। ओके, सबसे पहले इस एंगल से ले, इस एंगल से घर के साथ नाना नानी दोनों, और नाना जी पहले इनका पोर्ट्रेट ले लेते हैं, उसके बाद जो वाइड वाला। अच्छा, पहले इनके लेने। हाँ ठीक है, तो इस विंडो के आगे ले ले या फिर इस घर के आगे ले ले, देखो क्या इधर इधर, ये स्पॉट परफेक्ट है। ठीक है चलो जी, आओ आधा आधा लेना। ये क्यों दो क्यों पकड़ी है? ये नहीं चाहिए, दो नहीं, लेडीज को नहीं लगाते हाथ। नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊं, लेडीज को हाथ थोड़ी लगाते। बहुत बड़ी हाथ मिले।
क्या ना पीछे ओवर एक्सपोज हो रहा है भैया सनलाइट। स्माइल नानी जी। यस चलो 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 नानी जी बात ऐसे ऐसे। हाँ जी आराम से थोड़ा थोड़ा One eternity later. अभी हम लोगों ने सोचा थोड़ा सब्जी अब्जी लेके आते हैं तो कन्वेंशनल सब्जी मार्केट मेथड ऑब्वियसली नॉट वो तो आई गेस ऑब्वियस है कि ये कन्वेंशनल तो नहीं है वरना मैं दिखाऊं क्यों। तो अभी हम लोग खेतों में जा रहे हैं खेतों में आंवले का पेड़ है वो। अरे हाँ आंवला को क्या बोलते हैं इसे? आंवला को आंवला ही बोलते हैं भाई। इधर है अगर कोई अभी तो दिख नहीं रहा स्क्रीन में ना। पोस्ट में दिख गया तो ये देखिए देख जमीन पे इतने सारे गिरे हैं ऐसे वेस्ट हो रहे आंवला वेरी गुड फॉर इधर से इधर तक नाइस। वेलकम टू माई न्यू चैनल फार्मिंग विद अखिलेश। अरे इधर भी देखिए सब लाइन से ये बिकेंगे अभी गार्लिक ये गार्लिक है सरसों मस्टर्ड मस्टर्ड ऐसे थोड़ी होता है मस्टर्ड तो फूल होता है मस्टर्ड का साग। दिस इज साग ना स्पिनच रिजेक्टेड भिंडी रिजेक्टेड भिंडी जो कम से कम 50 रुपए किलो बॉम्बे में मिलेगी। ये रिजेक्ट कर दिए उन्होंने लेडी फिंगर ये रिजेक्टेड माल है और रिजेक्टेड माल। नाना जी ये किसके हैं ये पेड़ अरबी अरबी हाँ लेकिन लगी नहीं हुई ना तो मेरे को समझा नहीं क्या पत्तों खाए नहीं। हाँ हाँ इन्हीं पत्तों को जो बनते ओह जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा। ओके ये साग है वो सौंफ है उधर पालक है उधर मेथी है वो हरा धनिया देखो कितना हरा धनिया भाई साहब बेसिकली यहाँ पे इतना ऐसा वेजिटेबल टाइप का जाता है और ये जल्दी जल्दी उग के बेच भी देते हैं ना और भी बीज नहीं है काट काट के। कितना इनका साइकिल कितना रहता है नाना जी कितने दिनों में उग के बेच जाते हैं ये एक महीने में तैयार हो जाते हैं एक दो महीनों में अभी काट काट के दे रहा है फिर और निकल जाएगा फिर और काट के देगा। सो बेसिकली गाँव के लोगों की स्ट्रेंथ इसलिए होती है जो टॉप वेजिटेबल जो यहाँ बनती है सबसे पहले जो फ्रेश माल होता है ये खुद खाते हैं और जो बाकी होता है वो मार्केट्स में जाता है वो हमारे पास आता है। जो सबसे फ्रेश चीज होती है वो गांव के लोग खाते हैं इसलिए वो ऐसे स्ट्रांग होते हैं। इनके अंदर लास्ट टाइम देखा था सरसों वगैरह था बड़ा इसका बिजनेस तो बहुत दूर दूर तक जाता होगा ये सब्जी। तो नाना नानी के पास में ना मुर्गियां भी हैं पर अभी जस्ट मुर्गी ने यहाँ पे अंडा दिया है चूंकि इतने टाइम से एक मुर्गी मिसिंग थी वो वापस आ गई। ये बाजू में घर बन रहा है जिसके अंदर उसके अंदर जाके अंडा देके आ गई। नाना जी अंडा दिया यू कैन सी भाई इसका फोटो खींच डालो सबसे ज्यादा वायरल फोटो हो जाएगा। कहाँ रखना है अंदर इसके अंदर है सारी की सारी मुर्गियाँ छह मुर्गियाँ एक मुर्गा एक पांच मुर्गियाँ। एंड अभी टाइम आ गया अगले डेस्टिनेशन का एक एक दिन वन वन डे एवरीवेयर। एंड भाई सोचने में तो लगा था कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा टायरिंग रहेगा बट अभी के लिए तो वी आर डूइंग जस्ट फाइन। देखते हैं अभी हम लोग को जाना है बद्दी। बद्दी में हमारे बड़े चाचा जान रहते हैं ठीक है
तो वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सामान भरा जा रहा है तब तक के लिए अपनी थार में। हाँ जी हाँ जी, सब्जी और लस्सी सब दे देंगे उनको। बाय बाय। बाय बाय रानी जी, बाय बाय रानी जी। लेफ्ट, पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो क्रॉस करना ही है। हाँ वहां तक पूरा सेम है, क्या बोलते हैं ये पूरा रोड क्रॉस करना ही आपको, यहाँ तक का रास्ता याद ही होगा ना। चलो वी आर ऑन द मूव अगेन, वी आर गोइंग बैक। भैया और मैं बातें कर रहे थे इसलिए इस राइड पे मैंने तुम लोगों को ज्यादा दिखाया नहीं, लेकिन सही है, मतलब तुम लोगों ने देखा ना आते आते, मतलब बीच बीच में जो भी मैंने दिखा दिया। अभी क्या, अभी मैं थोड़ा सा गलती हो गई, नहीं ला पाया मैं स्क्रू, अगर स्क्रू लिया था तो तुम लोग को अच्छे खासे व्यूज दिखते हैं टाइम लैप्स वगैरह के साथ में। हाँ हो गई गलती, मैं मानता हूँ, बट इट्स फाइन। अभी बद्दी जाके व्लॉग करेंगे आई का भाई, यहाँ पे अभी हम लोग घाट उतर रहे हैं तो कान मेरे एकदम ऐसे फटने को आए हैं। डेंजरस घाट, प्रेशर से। अरे यार, और इस ऐसे घाट पे बाइक चलाने में क्या मजा आएगा। ओहो भाई, कॉर्नर कर बेबी क्रेजी। बहुत ही ज्यादा चुमेश्वरी घाट है, आई मीन नितिन मनु भाई, यहाँ पे आना है हम लोगों ने, यहाँ पे आना है हम लोगों ने, देखते हैं कब आएंगे। वी हैव अराइव्ड, पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे इन बद्दी। हाँ, मैंने बोलता इसका नाम ये और कैमरा कर दिया था उसके ऊपर, बाकी उनका उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई मुझे कंटेंट देना है। अभी कौन थे, हमने किसकी करवाई, मामू लोग की करवाई, मामू लोग ने तो बड़े, उनको तो बोलना आता है, वो तो बोल लेते हैं। नंदू को बोला, बोलो नंदू वाले देंगे किसी को। हां ब्लिंक भी नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ था उसको, मुझे सपोज देखो, चलो करो ये भी आ जाएगा। अगर अगर नहीं बोलो तो मैं ये डाल दूंगा कैमरा के आगे, ये भी आ जाएगा। ऐसे कैसे आप बताओ तो कुछ क्या बोलना है। अरे इंट्रोडक्शन, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग अपने कजिन से मिलने के लिए आए हुए, हम लोग बद्दी में हैं और ये मेरे कजिन है। हेलो, हाय गाइस। अरे अभी तो इतनी जोर की आवाज निकल रही, अभी आवाज क्या चलेगी सारी। एनर्जी, एटीट्यूड, ऐसे एटीट्यूड, ऐसे ऐसे। अच्छा ये बता दो लोगों को, नहीं पता बद्दी बद्दी क्या होता है, मैप पे दिखा दो कहाँ है बद्दी, टेल पीपल बद्दी कहाँ आता है, वो अपने मैप में देख लेना। खाने की बनाओ। हाँ। खाने की, मैं ना वेरी सीरियस अबाउट फूड, मैं ना खाने का एक्सप्लोर नहीं करता। मैंने बोला अच्छा नहीं लगा तो पैसे चले जाएंगे बेकार में, उससे अच्छा जो पहले से खाया है वही खा लेंगे, या फिर कोई ठीक है तो फूड ब्लॉग्स बना देता हूँ। यार ये सब बड़ा देखना पड़ता है, लाइट कहाँ पे है कैसे। हाँ तो अभी लास्ट जो तुमने सीन देखा उसके बाद में अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, हम लोग तब से बैठ के बातें बातें कर रहे थे, अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ चलाऊंगा ना, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने विद माय कजिन्स, तो धीरे धीरे कजिन से भी मिला दूंगा, या फिर अगर तुम लोग, हाँ तो फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर कट भी डाल दूंगा अगर 1-2 सीन्स पहले करेंगे तो। नहीं मैं दे रहा हूँ परी को, परी ने बड़ा नहीं, परी कर दिया ब्लॉग, उसने मेरे को बताया। नहीं वहाँ जाके इकट्ठे करेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन देते हम लोग, बस हम लोग खाना खाने निकल रहे हैं, ये सब बता दो। वहाँ जाके पहले इकट्ठे करेंगे, फिर आते टाइम थोड़ा मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगी, फिर आते टाइम। अच्छा, हम वहाँ जाके इकट्ठे सीधा जाना, इकट्ठे व्लॉग करेंगे हम। हम इकट्ठे होके बैठे भी हैं, बड़ा राउंड लेते हैं। चाची जी हैं,
चाची जी से हेलो टू द व्लॉग। हेलो, वी आर हियर एट सिंधी स्वीट्स। चलो फैमिली के साथ मेरा मेन्यू डिसाइड करना कितना बड़ा टास्क होता है। अंदर ही अगर भी ग्रेवी है ना अलग भी रखेंगे। तो मुझे मेरी बहन ने कहा है कि मुझे खाने के बारे में और ब्लॉग्स बनाने चाहिए, तो मैं उससे खुद सीखने वाला हूँ कि कैसे बनाने चाहिए। तो चाचा जी ने हमें बहुत देर बाद ज्वाइन किया। चाचा जी वेलकम टू माय चैनल। आप तो बोल रहे थे बना बना, आप कुछ बोलने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास बात करिए, लोगों को समझ आती है। भैया पहाड़ी में बात होने वाली है मेरे व्लॉग में। मिंजो भी आऊंगी यार, मैं भी आऊंगी। हेलो गाइस, हाँ वो तो स्टैंडर्ड हो गया ना, मतलब सबको एक साथ को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, इतने इनोवेटिव तरीके होते हैं। और क्या आप मुझे बता दो कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका जिससे मैं हेलो गाइस को अलग तरीके से बोल सकूं। मैं आगे से वही बोलूंगा। लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक हो गया ना, फिर मेरे को सबको केटर करना है, तो न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल बताओ मुझे। और लोग को करे एक सेकंड में ट्राई करता हूँ अभी आपके सामने। एक बार आप करके बता दो। और लोग को ठीक ठाक है। और जब तक हम ये सब शूट कर रहे तब तक खाना भर के आ चुका है। हाँ जी हाँ जी प्लीज, मैं पहले चाउमीन खा लूँ उसके बाद में बोलूंगा। और लोग को ठीक ठाक है। ओके अभी मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सीधा ऐसा हे गाइस अनिल एनर्जी में बोलना है ना, इस चीज के लिए कुछ कहना मत। ये पता है क्या बोलना क्या बोलना क्या है? कुछ नहीं, ब्लॉग है। ब्लॉग है क्या? क्या आप क्या बोलते हैं इसको? संगलो संगलो अर्थवर्म्स 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 हाँ इसको चाउमीन को अर्थवर्म्स बोल रहे हैं। वही होता है क्योंकि मैं वो बोलता हूँ, इसलिए मैंने वही गेस किया है। थ्री टू वन। और लोग को ठीक ठाक है। अब से मैं ऐसे करने वाला हूँ। चाचा जी ये बेटर है कि हे गाइस बेटर है? हे गाइस के आदमी ये गुड सजेशन। सानू बोल नहीं सकता। हे गाइस हे गाइस ठीक ठाक है। नहीं नहीं और लोगों वाला ट्राई करना। और लोग को ठीक ठाक है। मैं करूंगा ये। क्या चीज पूछ? क्या खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी था। खाने दे यार लंच। परी तुम्हारा रिव्यू बाकी खाना कैसा था, क्या क्या खाया? सब बहुत अच्छा। देखो आई नो तुम्हें ज्यादा खाया ना, लेकिन जितनी चीजें हुई थी सबका रिव्यू देना है। बारी बारी करके अच्छा मतलब पहले क्या था? हाँ आप बोलते जाओ मैं रिव्यू दे। सबसे पहले था दही पापड़ी चाट। तो मैंने पहले दे ही दिया है। नहीं नहीं फिर से स्टार्टिंग से करना। स्टार्टिंग से उसको जज नहीं किया जा सकता, वो हर जगह सेम होती है। ओके दूसरा हमने मंगाया था फिर ये पनीर टिक्का अच्छा था क्योंकि मैं पनीर नहीं खाती, पर मैंने खाया पर मुझे अच्छा लगा, इसको मतलब अच्छा ही होगा। अच्छा ये कोई नई चीज है। और उसके अलावा फिर हमने खाया था सूप मैंने खाया नहीं। यू टेस्टेड द सूप? मैंने देखा था पर वो अच्छा नहीं था। चलो ठीक है ऑनेस्ट ओपिनियन सूप अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर हमने खाया था छोले कुलचे नहीं नूडल्स अमृतसरी छोले कुलचे फिर नूडल्स। छोले कुलचे कढ़ाई पनीर और नान वो मैंने खाया नहीं। नहीं ऑफ नहीं होता ये, ठीक है। मैंने कहा था ना झूठ बोलना, जो नहीं खाया उसका भी रिव्यू दे दो। क्योंकि मैं पनीर खाती नहीं और मुझे इतना ज्यादा कुछ खास नहीं। झूठ बोलना है। अच्छा अच्छा बताना, ठीक है सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं बता दो कि मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं बोलना कि मैं खाती नहीं कि नहीं खाया ये सब, ठीक है। काफी अच्छा था सब।
क्या अच्छा था, क्या खाया? पनीर, कढ़ाई पनीर और बटर नान, वो भी काफी अच्छे थे. मैंने कंफ्यूजन भी होगी थी ना, एक बस दो टाइप के नान मंगवाए थे, एक चीज नान और एक सिंपल नान थे. तो जो चीज नान थे हमने वो दूसरी वाली चीज समझी, पर वो था पनीर, तो थोड़ा सा पोपट हो गया. हाँ, लेकिन उसके ऊपर कॉटेज चीज लिखा नहीं होता तो हमारी गलती नहीं है ना. हाँ चलो, कुछ मीठा खाते. चलो चलो. हेलो पीपल, क्या हाल है सबके? तो बेसिकली सीन ऐसा है अभी कि इन द सीरीज दैट आई वाज पुटिंग, जहाँ पे मेरा भाई इंडिया आया हुआ था एंड वी वर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, हम लोग अपने घर गए हुए थे, रिश्तेदारों से मिल रहे थे. सो द सीरीज इज नाउ ओवर. सीरीज में भी और कुछ नहीं आने वाला, बिकॉज दैट्स इट. अभी हम लोग बद्दी में थे, आपने जैसे लास्ट देखा, हम लोग रातों खाए पिए फैमिली के साथ में. देन द नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, हम लोग को क्योंकि फ्लाइट बोर्ड करनी थी चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ इज लाइक 35 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, एंड हमने RBTS से गाड़ी ली हुई थी, तो वी हैड टू रिटर्न दैट एज वेल. एंड RBTS का आई विल मेंशन दिस वन थिंग अगेन कि उनकी सर्विस ना बहुत अच्छी है, मतलब कि कुछ स्कैम वैम करके वो लोग पैसे हटने की कोशिश नहीं करते. पेट्रोल भरा के दिया था, भर के उनको वापस दे दिया, और कुछ बातचीत नहीं, ऑल गुड. उनके चार दिन के अंदर अंदर उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो भी वापस बैंक में आ गया था. मज़ा आ गया. एंड वी टुक अ फ्लाइट, केम बैक टू मुंबई, फिर यहाँ पे रहे, दिवाली वाली हुई. एंड उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं कर रहा था बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स. एंड यस, मेरे को तो लगा था कि मैं कभी ये सीरीज कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा. गौरी परी जो मेरी कजन थे उनको भी लगा था कि मैं कभी उनका ब्लॉग डालने नहीं वाला हूँ, बट यस. एंड काफ़ी ज़्यादा फुटेज मैंने डाला भी नहीं है बिकॉज एज आई सेड कि जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी इसके अंदर, लेकिन मेरे को स्ट्रक्चराइज करना नहीं आता. व्हाइल आई एम शूटिंग आई डोंट नो व्हाट द स्ट्रक्चर इज, सर क्या है, पाँव क्या है. एंड लार्जली देयर इज अ पैटर्न दैट आई हैव नोटिस्ड, क्योंकि आगे के भी कुछ व्लॉग शूट करके रखे हैं मैंने, तो उसके अंदर देयर इज द पैटर्न इज की आई स्टार्ट ऑफ द व्लॉग रियली वेल, मतलब क्वालिटी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, लाइक स्ट्रक्चर कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे निकले, क्या किया. बट देन टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट forget about the vlog and I'm in the element ki aisa main bas zero zindagi, mere ko vlog nahi karna hai. I just forget about it and there's not a lot of footage, and because of which also my dream ride was hampered. Not dream ride, kya hi bolna abhi usko, matlab the ride jahan pe hum log apni bike se himachal gaye the, that was also hampered a lot because of that. The if you look at the vlogging aspect of it, otherwise the ride was amazing. To theek hai, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज. आई नो मैंने इतना टाइम से डाला नहीं, तो फिर जो 100 व्यूज भी आ रहे थे अभी वो 100 व्यूज भी नहीं आ रहे, बहुत कम हो गया है, बट जितने 70-80 अभी भी आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू. एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को बता दो यार आई एम कमिंग बैक. मैं वापस व्लॉग डालना चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त आदिल ने मुझे कहा है कि अखिलेश क्वालिटी फाड़ में गई, तो अभी क्वान्टिटी पर ध्यान दे, क्योंकि मेरे को आदत नहीं लग पा रही है व्लॉग करने की, कि मेरे को इसको एडिटिंग की आदत लगानी है. आई नीड टू मेक इट अ लाइफस्टाइल कि कैसे किस तरीके से कर सकता हूँ कि ताकि एफर्टलेस लगे पूरे का पूरा चीज़. एफर्टलेस रखने की कोशिश भी करता हूँ मैं, बट जब एफर्ट लग रहा होता है तो उस टाइम मैं छोड़ ही देता हूँ. तो यस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड फॉलो.